हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉर्टोइस ट्रेडर्स। तो जैसा कि आपको मालूम है, हम हर वीक आपके सामने एक ऐसा स्टॉक रखने का प्रयास करते हैं जो हमको लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बना के दे सकता है। ओके, सो इस वीक भी हम एक आपके सामने ऐसा ही स्टॉक लेकर आए हैं जो कि हमको लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा गुड वेल्थ क्रिएट करके रखने का पोटेंशियल रखता है। ओके, सो इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 15,000 करोड़ का है। एंड दिस कंपनी नॉट ओनली फंडामेंटली बट ऑल्सो टेक्निकली लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये कंपनी है असाही इंडिया क्लास। तो ये कंपनी का वेबसाइट है जिसमें हम देख सकते हैं, नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये कंपनी क्लास इंडस्ट्री में काम करती है। तो ये ऑटोमोटिव ग्लासेस, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ग्लासेस, कंज्यूमर ग्लासेस एंड इंडस्ट्रियल ग्लासेस के फील्ड को कैटर करती है। इस कंपनी का बिजनेस नॉट ओनली इन इंडिया बट इट ऑल्सो वर्क्स नो कैटर्स आउटसाइड द इंडिया एज वेल। सो ये कंपनी इज एक्चुअली ओन्ड बाई असाही कॉन्ग्लोमरेट, एक ग्रुप है उसको ये कंपनी बेसिकली बिलोंग करती है। एंड इस कंपनी की प्रोमोटर कंपनी मारुति सुजुकी भी है। सो इससे तो एटलीस्ट हमको ये मालूम चल गया कि इस कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज होने के बहुत कम चांसेस है। सो हमने इस कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट हमने एक एक्सेल शीट में डाला है जिसमें हम देख सकते हैं कि कंपनी हर क्वार्टर में एक अच्छा रिजल्ट हमको दे रही है। एंड दिस इज बेसिकली अ नो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। सो ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर विच वाज ऑफ जून क्वार्टर आफ्टर द कोविड, तो इस क्वार्टर को छोड़ दें तो हर क्वार्टर में कंपनी की स्टेबल प्रॉफिट्स हमको स्टेबिलिटी दिख रही है। ओके, सो ये तो हो गई पूरी फंडामेंटल वाली चीजें। लेट्स मूव टू आर नॉट टेक्निकल, व्हाट डज द चार्ट से। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये असाही इंडिया क्लास का टेक्निकल चार्ट है। ओके, तो ये चार्ट क्या बोलता है हमको? चार्ट ये बोलता है कि इस यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था विच वॉज ऑफ 11 September 2017, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ। ओके, तो लेट्स मार्क दिस रेजिस्टेंस फर्स्ट। सो जैसा कि हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे ये मार्क कर दिया। ओके, सो ये 2017 का 18 September 2017 का जो रेजिस्टेंस था, इट वॉज ब्रोकन। एंड जैसा कि आपको मालूम है, रेजिस्टेंस टूटने के बाद इट बिकम्स द सपोर्ट। तो थोड़ा ऊपर गया, अगेन इट केम डाउन नो एंड टुक द सपोर्ट ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल्स। एंड वहाँ से देखिए, अगेन इट हैज नाउ क्रॉस द ऑल टाइम हाई लेवल्स ऑन दिस स्टॉक। ओके, एंड लुक एट द वॉल्यूम्स ओवर हियर। यहाँ पे हमको वॉल्यूम देखना है, लुक एट दीज वॉल्यूम्स। यहाँ पे एक बहुत अच्छा वॉल्यूम है, दिस वॉज एट द ब्रेकआउट लेवल। नाउ अगेन एट दीज सेम लेवल्स वी कैन सी अ गुड वॉल्यूम। एंड नाउ लास्ट फ्राइडे ऑल्सो आफ्टर द नो फ्रेश न्यू ऑल टाइम हाई, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा हमको वॉल्यूम दिख रहा है। सो दिस इज बेसिकली अ प्राइस मूवमेंट विथ वॉल्यूम। सो दीज आर नो हमको अच्छा एक पर्सपेक्टिव दे रहा है कि स्टॉक को लेके, कि टेक्निकली इस स्टॉक में एक पोटेंशियल है जो अच्छा हमको वेल्थ जनरेट करके दे सकता है इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीन्स इन द नेक्स्ट 1-1.5 years। ओके, सो जैसा कि आपको मालूम है कि हम आफ्टर दिस एनालिसिस वी ट्राई टू नो फिगर आउट कि इसके नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट्स जो हमको नजर आते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम एक फिबोनाची टूल का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, आई विल डिलीट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन एंड इसको मार्क करने का कोशिश करेंगे। सो हम इसको मार्क कैसे करेंगे कि जो इमीडिएट जो डाउन ट्रेंड है उस पर हम इसको प्लॉट करने का कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट अस मार्क दिस ओवर हियर। सो मैंने ऊपर से नीचे के साइड पे इस पर्टिकुलर फिबोनाची टूल को मार्क कर दिया। ओके, सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है, सो दीज आर नॉट एक्चुअल टारगेट, दिस इज एक्चुअली अ टारगेट विच दिस पर्टिकुलर टूल फिबोनाची टेल्स अस। तो पहला जो टारगेट हमको निकल के आता है वो है 685 का। उसके बाद एक बार ये रेजिस्टेंस टूट जाए, यानी कि ये टारगेट निकल जाए, तो नेक्स्ट टारगेट जो हमको लगता है वो है 858। एंड 858 एक बार निकल जाए तो उसके बाद फिर हमको दिखता है 1030। सो इस प्रकार के हमको नो एग्रेसिव टारगेट्स निकल के आते हैं अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है एंड इफ द चार्ट मूव्स अप इन अप डायरेक्शन। ओके, सो अब यहाँ पे ये तो हो गई द टारगेट्स के जो एस्टिमेशंस हैं वो। अब यहाँ पे हम स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हैं?
तो स्टॉप लॉस जो मुझको नज़र आता है, इस पर्टिकुलर चार्ट में, वो है कि हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर लो का, दिस इज द लो विच वी बिलीव दैट यहाँ इसके नीचे स्टॉक को नहीं जाना चाहिए. ओके, सो व्हाट आर दीज लेवल्स? दिस इज एक्चुअली द लेवल ऑफ 523. सो ये स्टॉप लॉस का लेवल होगा वीक ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस. इसका मतलब किसी भी वीक को अगर कोई भी कैंडल इस 523 के लेवल्स के नीचे क्लोज हो जाए तो हमको इस स्टॉक से एग्जिट कर देना होगा. ओके, फाइन. तो ये वीडियो और हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए. काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आवर फेसबुक पेज एज वेल. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.